बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल अजीज है। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तुर्की में टीआरसी के हवाले से आजकल बहुत ज्यादा इस्तांबुल के अंदर खासतौर पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो बढ़ा दी गई हैं। लोग बड़ा परेशान है। कुछ लोगों की यहाँ प्रॉपर्टी है, उनकी टीआरसी भी रिजेक्ट हुई है। कुछ लोगों का नफूस हुआ है, उनकी भी टीआरसी रिजेक्ट हुई है। और कुछ लोगों से जो है वो फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन जो जमा करवा रहे हैं उनसे जो है वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। किताबों की कॉपी ला दें, सीडिट की कॉपी, यानी कि नुमारताज लेकर आ जाएं या कोई यूटिलिटी का बिल अपने नाम पर लेकर आ जाएं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर नए आने वाले हैं, और उन लोगों के लिए भी जिनके इकामत खत्म होने वाले हैं, वो अपना रिन्यूअल केस अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं चाह रहा था कि आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं, जो केसेस हम लोगों ने रिसेंटली अप्लाई किए थे उनमें क्या ऑब्जेक्शंस हुए थे, वो सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आने वाले जो नए लोग हैं वो उस अपने जो केस तैयार करेंगे टीआरसी के लिए, तो इन चीजों का ख्याल रखें ताकि उनके टीआरसी केस में कोई रिएक्शन ना आए या वो मजीद परेशानियों से बच सके। सबसे पहले बात करते हैं एसनयोट डिस्ट्रिक्ट और फातेह डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। एसनयोट और फातेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है और फॉरनर्स की पॉपुलेशन वहां पर जरूरत से ज्यादा हो गई है, तो जिसकी वजह से इन दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने शक्तियां काफी ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि फॉरनर यहाँ बहुत ज्यादा आबाद हो चुके हैं। तो ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे मजीद क्राउड जो है वो नया क्राउड जो इन जगहों पर आए, तो इन दो डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने जो है वो मतलब एक तरह से इकामत के हवाले से डेंजर जोन के अंदर डाल दिया है। तो मेरी गुजारिश है कि जो भी नए लोग आते हैं तो वो इन दो डिस्ट्रिक्ट पे कोशिश करें कि ना घर किराए पर लें और ना ही मेरा ख्याल है कि प्रॉपर्टी इस वक्त खरीदेंगे, कि जो हालात चल रहे हैं उसकी मैं प्रॉपर्टी क्यों ना खरीदे उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा आगे। अगर इस वीडियो को आप आगे तक देखें उस चैप्टर पर, उस टॉपिक पर भी मैं आऊंगा इंशाल्लाह, आप दो के साथ डिस्कस करूंगा। तो बेहतर है कि वो लोग ऐसे और फादे के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी बाय ना करें। बाकी के जो 39 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें दो अगर हटा दें 37 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप लोग कोशिश करेंगे उन डिस्ट्रिक्ट का जो है वो उस डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाएं। असल में एसनयोट और फातेह लोग ज्यादातर इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि फातेह जो है वो सेंटर में है, बिल्कुल इस्तांबुल बिलू मॉस के बिल्कुल साथ है, और इस वजह से लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं उस एरिया को। और एसनयोट को इसलिए प्रेफर करते हैं कि एसनयोट थोड़ा सा चीप है कंपेरिजन अगर हम करें दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, तो थोड़ा सा नया है। प्रॉपर्टियां यहाँ पे थोड़ी सी चीप प्राइस में आपको मिल जाती है, रेंटल पर लेते हैं या प्रॉपर्टी आप बाय करते हैं, तो इस वजह से ज्यादातर लोगों का रुझान यही होता है कि हम ऐसे नोट में प्रॉपर्टी बाय कर लें। बाकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो काफी सारी काफी एक्सपेंसिव हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है इस वक्त डॉलर जो है वो तुर्की में जो है वो काफी उरूज पर जा चुका है, अपने मतलब इस वक्त हाई पे खड़ा हुआ 11.23 आज का रेट है डॉलर का, और लीरा काफी ज्यादा करेंसी जो है इसकी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। पाकिस्तान से भी हम कंपेरिजन करते हैं करेंसी का, तो 15-16 के बीच में इनकी जो है करेंसी चल रही है। अगर जब डॉलर ऊपर जाता है तो प्रॉपर्टी के प्राइस जो है वो मजीद इंक्रीज होते हैं, जो हमने देखा भी है कि आखिरी एक साल के अंदर तुर्की के अंदर प्रॉपर्टी के प्राइस जो है वो 30-40% जो राइज हुए हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टियां काफी महंगी हो गई है यहाँ पर। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो लोग यहां पर नए आ रहे हैं और वो फर्स्ट टाइम अपना टीआरसी जो है किमलिक अप्लाई करना चाहते हैं तुर्की में आने के बाद, तो वो किन चीजों का ख्याल रखें। लेकिन जो लोग नए आ रहे हैं वो सबसे पहले कोशिश तो ये करें कि फातेह और एसनयोट इन दो डिस्ट्रिक्ट में कोई मकान किराए पर ना लें, ठीक है, यहां शिफ्ट ना हो, या वो जो किराया फेक लगवाते हैं कोशिश करें उसका रिस्क ना लें। ऐसा नहीं है कि सबकी किमलिक जो है वो उस वैसे रिजेक्ट हो रही है, कुछ किमलिक जो है वो एक्सेप्ट भी हो रही है उस किरायानामे को, बाज दफा किरायानामे में फेक एड्रेस अभी भी एक्सेप्ट हो रहे हैं, बट इस पर जिस तरह सख्ती की जा रही है तो बेहतर है कि आप जेन्युइन चीजें लगाएं ताकि आगे परेशानी से आप लोग बच सकें। तो इन दो डिस्ट्रिक्ट के अलावा आप जेन्युइन जो है वो एड्रेस अगर आप ले लें, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, मैं एसनयोट ज्यादा बस ले करता हूँ क्योंकि मैं खुद भी एसनयोट में ही रहता हूँ, तो यहाँ पे करीब में अफजिलार एक डिस्ट्रिक्ट है, बेलीदुजू एक डिस्ट्रिक्ट है, बिलचक में एक डिस्ट्रिक्ट है, आप लोग यहाँ पर रेंट पर अपार्टमेंट लें और ऑनर से पहले ही बात कर लें, उससे बोलें टापू की कॉपी हमें चाहिए, ठीक है। और बिजली का बिल मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि यूटिलिटी में आप जो है वो इलेक्ट्रिक का बिल अपने नाम पे कर सकते हैं पासपोर्ट की बेस पर भी, तो एक बिल अपने नाम पे लाजमी कर लें। और नुमारताज आप बल्दी ऑफिस जाकर नुमारताज इजीली हासिल कर सकते हैं, वो आप बनवा लें, और जब आप अपनी फाइल सबमिट करें तो ये डॉक्यूमेंट लाजमी लगा दें। और जब आप एग्रीमेंट बनाएंगे तो कोशिश करें कि उस एग्रीमेंट के अंदर जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, अगर आपके अंडर 18 बच्चे भी हैं, तो उनका भी नाम डलवा दें, ताकि फिर उसी कॉन्ट्रैक्ट को नोटराइज करवा लिया जाए इजीली। क्योंकि ये सब चीजें अगर आप कर लेंगे तो जब आप टीआरसी के डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे तो कोई इंशाल्लाह ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, आप नहीं लगाते हैं, वो नहीं भी मांगते, आप फाइल जमा करवा भी देते हैं, तो समटाइम ऐसा भी हमने देखा है कि वो बाद में जो है वो सिस्टम पे इनके आया हुआ होता है कि आप ये चीजें मजीद डॉक्यूमेंट जमा कराएं, जिसकी वजह से आपका टीआरसी कार्ड आपके पास पहुंचने में मजीद टाइम लगता है। तो बेहतर है कि आप अपने केस को जिस तरह इनके आजकल रूल चल रहे हैं प्रॉपर वे में बनाएं, ताकि आगे जो है आपका कार्ड जल्द से जल्द आपको मौसूल हो जाए।
अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, रिन्यूअल वालों के लिए कि जो लोग यहाँ पे तुर्की में अपनी टीआरसी रिन्यूअल करवाना चाह रहे हैं। तो मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे बता रहे हैं कि हमारे पास तफूस हुआ हुआ था मगर उसके बाद भी हमारी इकामत जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है, तो उसकी क्या वजह है? क्योंकि अब इन्होंने, आपको तो पता ही होगा कि आने वाले अभी जो रिसेंटली इन्होंने एक दो महीने से पहले इन्होंने कहा जिन लोगों को भी अपनी टीआरसी रिन्यू करानी है वो हमें ये मेक श्योर करें अपना एड्रेस, नफूस रिजिस्ट्रेशन, बेसिकली नफूस जो बोलते हैं वो एड्रेस रजिस्ट्रेशन को बोलते हैं। इनका एक बल्दिया में ऑफिस होता है, नफूस इदारा होता है इनका एक, वहां पर जाकर आप अपना यूटिलिटी का बिल, अपनी इकामत और अपने घर का कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं जिसपे वो आपको एंट्री करवा, सिस्टम में एंट्री कर देता है कि आप फला जगह पर, मतलब इस बिल्डिंग के अंदर, इस मोहल्ले में, इस अपार्टमेंट के अंदर आप रहते हैं। तो इन्होंने भी ये शर्त कर दी है कि जो लोग भी अपना किमलिक रिन्यू करवाना चाहते हैं तो वो नफूस का पेपर लाजमी लगाएं। अच्छा, जो लोग नफूस का पेपर लगा लेते हैं तो वो आपको फिर घर का कॉन्ट्रैक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना उसको नोटराइज कराने की जरूरत पड़ती है और ना ही वो आपसे फिर तापो वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट करते हैं। जो फर्स्ट एप्लीकेशन वालों के साथ की जा रही है वो नफूस रिन्यूअल पे अगर आप नफूस लगा देते तो वो आपके सब डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते। अच्छा, नफूस जब आप करवा लेते हैं तो नॉर्मली वो आपको कोई पेपर नहीं देते, सिर्फ सिस्टम में एंट्री कर देते। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि हमारा नफूस हो चुका है मगर हमारे पास कोई पेपर में कोई प्रूफ नहीं है तो वो हम कहां से हासिल करें? तो जो लोग जिनका ई डेवलप बना हुआ है, यहाँ पर 18 प्लस लोगों का ई डेवलप बन जाता है, वो पहले तो जाकर अपना एक वन टाइम कोड ले लेते हैं और उसके बाद उसको ई डेवलप पे डाल के अपना कोड जो है वो पासवर्ड वो चेंज कर लेते हैं। तो वहां से भी आपका नफूस होने के बाद आप वहां से भी पेपर निकाल सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट निकल जाता है, आप अपनी रिन्यूअल के टाइम पे वो भी लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जिस मोहल्ले में भी आप रहते हैं वहां पे एक मुदरलू ऑफिस होता है, मोहतार ऑफिस, वहां पर भी आप जाकर 15 लीरा आई थिंक इनकी फीस होती है किमने का आप दिखाएं तो वो भी आपको एक पेपर निकाल कर देते हैं जिसमें शो हो जाता है कि आपका इस घर पे नफूस हुआ है। तो जो लोग भी अपनी इकामत रिन्यू करवाना चाहते हैं तो वो लोग इकामत के अंदर वो उनको कांटेक्ट की जरूरत नहीं है अगर उनका नफूस, एक तो पहली बात तो कि नफूस कंपलसरी हो गया, नफूस लगाना जरूरी है तो नफूस का पेपर लगाना जरूरी है। तो आप लोग पेपर लगा लें, वो लोग घर का कॉन्टैक्ट ना लगाएं। और वो पेपर आप किस तरह हासिल करते हैं उसके दो तरीके का मैंने आपको बता दिए, तो वो पेपर साथ लगाकर भेजे। अगर आपने ये पेपर नहीं लगाया, अगर आपने रिन्यूअल अप्लाई किया और आपका नफूस नहीं हुआ और आपने घर का कॉन्ट्रैक्ट लगाया है, नोटर करा के और तापो नम्रताज भी लगा दिए, तब भी आपकी किमलिक रिजेक्ट हो जाएगी। अच्छा, जो लोग मुझे कह रहे हैं कि हमारा नफूस हुआ है उसके बाद भी हमारी इकामत रिजेक्ट हो गई, उसकी मेन वजह है, उसकी वजह है कि उन लोगों ने अपना जो नफूस कराया है वो फातेह से कराया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फातेह डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त बिल्कुल मतलब मुनासिब नहीं है नए लोग आने वालों के लिए, और वो टीआरसी अप्लाई करने पे फातेह का तो कोई तस्करा करे ही ना इस वक्त, तो वो बेहतर है। अभी रिसेंटली मेरे पास 3-4 केसेस ऐसे आए हैं जिन लोगों ने अपना रिन्यूअल करवाया है, उनके पास नफूस हुआ हुआ था फातेह डिस्ट्रिक्ट का मगर उनकी कीमत नफूज होने के बाद भी उन्होंने रिजेक्ट कर दी क्योंकि वो कहते हैं फातेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें नाम की मिलिक देंगे नहीं, ना फर्स्ट टाइम वालों को देंगे ना रिन्यूअल वालों को देंगे। तो इस बात का आप लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखें। फातेह डिस्ट्रिक्ट के हवाले से मैं आप लोगों से अपने अपना एक जो है वो पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया था वो मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूंगा क्योंकि फातेह डिस्ट्रिक्ट में ये जो न्यूज है ये अभी की नहीं है, तो काफी पुरानी हो चुकी है। ये लोग कहते हैं कि फातेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो हम टीआरपी जो इसके पास जो घर का ऑनर होगा उसको भी टीआरसी हम नहीं देंगे। तो हमारे रिसेंटली भी एक बहुत करीबी दोस्त आए थे दुबई से, तो उनको जो है वो बड़े मतलब रूल्स को बड़ा फॉलो करते हैं ना, वो हर चीज को वो कहते हैं कि नहीं मैं हर चीज जो है ना वो कानून के तहत और हर चीज मुझे मतलब प्रॉपर चाहिए और मैं कोई भी मतलब इस तरह की चीज नहीं लगाना चाहता डॉक्यूमेंट्स के अंदर जिसकी वजह से मेरी किमलिक या फिर मुझे आगे चल के कोई परेशानी हो। तो वो बेचारे खुद उनके ऑफिस भी गए, इमिग्रेशन ऑफिस, वहां से उन्होंने मालूम करा, 157 हेल्पलाइन नंबर जो इनका वहां पर उन्होंने कॉल करके मालूम किया, उन्होंने बताया कि मैंने फातेह में प्रॉपर्टी खरीद ली। जब उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी उनको ये शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उनकी और उनकी फैमिली की टीआरसी नहीं बन पाएगी। बाद में ये रूल शायद आया था या उनकी इन्फॉर्मेशन में नहीं था। तो बहरहाल जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उनको मैंने कहा कि आपने फातेह में प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए थी आपको क्योंकि अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी आपने बाय की तो इस पर आपका टीआरसी नहीं बन सकता, आपको टीआरसी के लिए एक अलग से मकान किराए पर लेना पड़ेगा फिर आपका टीआरसी बनेगा। तो बहरहाल वो इमिग्रेशन ऑफिस गए, इमिग्रेशन ऑफिस वालों ने उनको कहा कि नहीं आपका टीआरसी बन जाएगा क्योंकि सम टाइम इमिग्रेशन ऑफिस में भी जो लोग इंग्लिश ट्रांसलेटर होते हैं वो फॉरनर्स होते हैं और समटाइम वो भी आपको मिसगाइड कर देते हैं, ऐसा होता है समटाइम। या 157 जब आप कॉल करते हैं या वो आपकी बात को समझ नहीं पाते या आप उनको समझा नहीं पाते तो वो लोग भी आपको जो कमेंट पास करते हैं। तो बहरहाल उन दोस्त ने मुझे कहा कि भाई कोई इशू नहीं है, आप जो है ना मेरा फॉर्म वगैरह फिल कर दो और मैं प्रॉपर्टी बेस पर ही फातेह से किमलिक अप्लाई करूंगा।
मैं कुछ दो नंबर काम मतलब कोई ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लगाना चाहता जिसकी वजह से जो है ना वो मुझे बाद में प्रॉब्लम हो। उनको मैंने मना किया, मैंने कहा देखिए बेहतर यही है कि आप कोई अपार्टमेंट किराए पर ले लें फातेह और एचएनयू डिस्ट्रिक्ट के अलावा और वहां पर शिफ्ट हो जाए और वहीं से टीआरसी अप्लाई करें। बहरहाल उन्होंने मुझे डिक्टेट करा, उन्होंने कहा भाई देखो जिस तरह मैं कहता हूँ आप उस तरह ही काम कर लो, बाकी कोई मसला नहीं होगा। तो बहरहाल वही हुआ, उनका हमने केस जो अप्लाई किया तो बाद में उनका केस रिजेक्ट हो गया। और जब वो इमिग्रेशन ऑफिस रीजन पूछने के लिए गए कि भाई रीजन क्या था, तो उन्होंने यही रीजन पेश किया। उन्होंने कहा भाई आपने फाते से क्यों अप्लाई करा, तो उन्होंने कहा मैं तो प्रॉपर्टी ऑनर हूं। तो उन्होंने कहा प्रॉपर्टी ऑनर होने के बाद भी आप टीआरसी अप्लाई नहीं कर सकते फाते डिस्ट्रिक्ट से, तो जो लोग भी फाते में अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा ख्याल करें। अगर उन्हें सिर्फ इन्वेस्टमेंट इसलिए करनी है कि वो उससे रेंट आउट करके जो है वो रेंट मतलब इनकम के लिए अगर वो करना चाहते हैं तो वो लोग वहां बिल्कुल प्रॉपर्टी बाय कर लें, मगर जो लोग वहां पर रहना चाहते हैं और अपना टीआरसी बनवाना चाहते हैं फाते डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो काइंडली वो जो है वो फाते में इस वक्त बिल्कुल भी शिफ्ट ना हो और ना ही वहां प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करें क्योंकि उसके बेस पर उनको टीआरसी नहीं मिलेगा। चलिए ये बात तो हो गई कि फाते की, अब हम आ जाते हैं एसएनयू डिस्ट्रिक्ट की तरफ। एसएनयू डिस्ट्रिक्ट में जो लोगों को ज्यादातर परेशानी हो रही है वो ये हो रही है कि बहुत सारे लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि एसएनयू पर प्रॉपर्टी आपको जो है वो कम प्राइस में मिल जाती है बाय करने के लिए, तो एसएनयू में भी काफी सारे फॉरनर जो है वो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। और प्रॉब्लम लोगों को यहाँ पर जो ज्यादा हो रही है वो ये हो रही है कि एक प्रॉपर्टी जब वो बाय करते हैं तो नॉर्मली वो अपने मतलब जो ऑनर होता है मतलब जो फादर होते हैं वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं, तो फिर जो उनकी मिसेज और बच्चे जो होते हैं फैमिली को अगर हम देखें तो फैमिली का टीआरसी वो किस तरह अप्लाई करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन वो एसएनयू से तो अप्लाई कर नहीं सकते। तो कुछ लोगों को इस हवाले से गलतफहमी है कि अगर आपने प्रॉपर्टी एसएनयू के अंदर बाय कर ली है और एज अ फैमिली, क्योंकि वो आपकी मिसेज हैं और आपके बच्चे अंडर 18 हैं, तो आप उनका भी टीआरसी एसएनयू से अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरह के 3-4 केसेस मेरे सामने आ चुके हैं, आई डोंट नो कि उनको कौन मशवरा देता है इस तरह का, वो इस मशवरे पर अमल भी कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने पहले ही बोला था कि एसएनयू से फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे भले आपके हस्बैंड के नाम पे ही क्यों ना प्रॉपर्टी हो। तो वो अभी मेरे पास रिसेंटली 3-4 केस इस तरह के आए हैं जिसमें फैमिली से टीआरसी अप्लाई करी प्रॉपर्टी बेस पर, तो उसमें जिसका नाम टापू के ऊपर लिखा हुआ था उसको तो टीआरसी दे दी गई बट उसकी बाकी पूरी फैमिली के केस जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अगर आप लोग एसएनयू में चाहते हैं कि प्रॉपर्टी की बेस पर आप टीआरसी बनवाएं तो फिर बेहतर है कि टापू के अंदर सेल डीड के अंदर अपनी मिसेज का और अपने बच्चों का भी नाम डलवा दें, तो फिर प्रॉपर्टी बेस पर आप कम्युनिटी अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर उम्मीद है कि सबको टीआरसी मिल जाएगी। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि नाम जो है वो किस किस का टापू के ऊपर डलवाना है, सेल डेट के ऊपर डलवाना है। इसके ऊपर भी मैं आपको एक स्टोरी थोड़ी सी सुनाऊंगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी मगर मजेदार वीडियो है ये। मैं आपको जो प्रैक्टिकल जो चीजें बता रहा हूँ, जो चीजें जो मेरे सामने सुनने में आई है या जो मैंने कुछ एक आती है इस तरह के किए हैं जो हुए, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इसमें कोई फेक या कोई झूठ नहीं है। तो ये चीजें मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए देना चाह रहा हूँ कि जो लोग मजीद आ रहे हैं तो उनको थोड़ी सी मालूम हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पुरानी यूट्यूब पे वीडियोज देखी हुई है मतलब 2 साल पुरानी 4 साल पुरानी, उस वक्त रूल्स कुछ और थे, अब रूल्स कुछ और हैं, 2023 के अंदर रूल्स और सख्त होंगे, हालात बदलते जा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ की ठीक इकोनॉमी डाउन हो रही है मगर यहाँ पे इतना फोनर आ चुका है, ये लोग रूल जो है वो सख्त करेंगे आने वाले दिनों में। तो आज के जो मौजूदा हालात के अंदर जो कानून है यहाँ पर इकामत इमिग्रेशन वालों के, वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है नए आने वाले लोगों के लिए भी और जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी। अगर वो पुरानी वीडियोस को देख के उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो उनको नुकसान होगा। वाक्य जो ऐसे नोट का सुनाने लगा हूँ आपको, बड़ा इंटरेस्टेड वाक्य है। उसमें हुआ ये था कि मेरे पास एक केस आया था रिजेक्ट होने के बाद, उन्होंने मुझे कमेंट किया किसी मेरे फेसबुक के अकाउंट पर कि हमारा टापू था बट हमारा प्रॉपर्टी होने के बाद भी हमारा केस जो है वो रिजेक्ट हो गया। तो मैंने कहा बड़ी स्ट्रेंज बात है, ऐसा पॉसिबल है नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपने गलती की होगी जब भी रिजेक्ट हुआ है। तो फिर उनसे मेरी उनको मैंने कहा फिर आप मेरा ऑफिस आए तो फिर मुझे थोड़ा सा केस आप बताएं आपने किस तरह केस जो है वो अप्लाई किया था। तो उसमें उनका प्रॉब्लम ये था कि उनका जो मकान था मतलब जो प्रॉपर्टी थी उस पे 2 नाम लिखे हुए थे, 2 भाइयों के नाम थे, ठीक है, और दोनों भाई 18+ थे और दोनों भाई मैरिड थे। एक भाई के पास ऑलरेडी टीआरसी कार्ड मौजूद था जो कि उस प्रॉपर्टी बेस पर नहीं था, वो शॉर्ट टर्म मतलब टूरिस्ट बेस पर उनका इकामत मौजूद था। अच्छा, जब बाद में उनके जो दूसरे भाई हैं उन्होंने टीआरसी अप्लाई किया तो उन्होंने शो करा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेस पर टीआरसी अप्लाई करना चाहता हूँ, इमिग्रेशन वालों ने उनकी टीआरसी रिजेक्ट कर दी। इस कन्फ्यूजन में कि जो पहले वाले भाई थे उनके पास भी
टीआरसी है तो वो शायद प्रॉपर्टी बेस पर ही होगी, तो एक प्रॉपर्टी के ऊपर ये लोग जो है वो एक फैमिली को टीआरसी देते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है, अभी दोबारा भी बता रहा हूँ कि एक फैमिली को टीआरसी मिलती है एक प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर आपके दो भाई हैं, दोनों की अलग अलग फैमिली है, या आपके पेरेंट्स हैं, उनका नाम टापू में आप ना डलवाएं। अगर आप नाम डलवाएंगे तो दोनों की टीआरसी में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि रिसेंटली भी मैंने एक केस किया था टीआरसी का, उसके अंदर ये था कि प्रॉपर्टी जो है वो तीन बंदों के नाम पर थी, मतलब मदर, फादर एंड उनका एक बेटा था जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मगर उसका भी नाम प्रॉपर्टी के टापू के ऊपर लिखा हुआ था। अच्छा, बेटे के पास ऑलरेडी इकामत थी, स्टूडेंट इकामत, तो जब मैंने उनका केस बनाया तो इनको फिर मेंशन करना पड़ता है ना। मैं आपको जब भी कहता हूँ कि टापू के ऊपर उन्हीं लोगों का नाम डलवाएं जिनकी आप टीआरसी, मतलब टापू के अंदर आप उन लोगों, मतलब 18 से अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनका डलवा लें आप, तो एक केस वैलिड बन जाता है। मगर आप उन लोगों का नाम ना डलवाएं जिसकी वजह से आप दोनों की ही टीआरसी जो है वो उस पर इफेक्ट हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि दो भाइयों ने जब डलवाया तो उनको फर्क पड़ा। इसी तरह जब ये मैंने जो केस रिसेंटली अप्लाई किया था टीआरसी का, तो उसमें पेरेंट्स और फादर दोनों के पास टीआरसी, उनका जो था वो टूरिस्ट पर था, बाकी उन्होंने प्रॉपर्टी बाय कर ली। बेटे के पास जो 18 प्लस था उसके पास जो जन कार्ड था वो स्टूडेंट कार्ड था, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। तो जब मैंने उनका केस स्टडी करके, मैंने उनका केस जब अप्लाई किया तो मैंने उसमें उनके बेटे की किमलिक भी लगाई साहब, उसका यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर भी लगाया, उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगाया, और साथ में एक एप्लीकेशन भी लिखकर लगाई कि ये तीन बंदे हैं जो प्रॉपर्टी बेस पर यहाँ पर जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है, मगर टीआरसी जो हम मांग रहे हैं वो सिर्फ पेरेंट्स के लिए मांग रहे हैं प्रॉपर्टी बेस पर, क्योंकि इनके बेटे के पास ऑलरेडी इकामत है और वो यहाँ पर स्टूडेंट है, उसका टापू पे नाम जरूर है मगर उसका टीआरसी से कोई, इकामत का टीआरसी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 2 साल की टीआरसी उनकी हमने अप्लाई करी थी, उनको 2 साल की टीआरसी मिल गई। ये बात या ये किस्सा सुनाने का मकसद मेरा सिर्फ आपको ये था कि जो लोग यहाँ पर ये सोच रहे होते हैं कि टापू पे हम दो भाइयों का नाम डलवा दें या अपने पेरेंट्स का नाम डलवा दें तो उनकी टीआरसी में हमें आसानी हो जाएगी, तो आपको आसानी नहीं होगी बल्कि आपको मुश्किल होगी इसके अंदर, क्योंकि जब आप दो बंदों का नाम डलवाएंगे दो अलग अलग फैमिली होंगी, प्रॉपर्टी आपकी डिवाइड होगी, तो उनको ये शक रहेगा कि प्रॉपर्टी के जो टीआरसी जो बंदे, किस बंदे ने प्रॉपर्टी बेस पे ली हुई है, किसने स्टूडेंट बेस पे ली हुई है, किसने टूरिस्ट बेस पे ली हुई है, ये उनको समझाने के लिए आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। और ज्यादा बेहतर होता है कि इस तरह की जब कोई केसेस हो तो आप नोट ऑफिस जाके एक एप्लीकेशन बनाकर डाल दें ताकि उनको ये चीजें समझ में आ जाए। जैसे आप वीजा अप्लाई करते हैं नॉर्मली तो आप एक कवर लेटर बनाते हैं, उसमें आप रीजन देते हैं कि हम यहाँ यहाँ जाएंगे या हमारा ये प्लान है, तो इसी तरह अगर इस तरह की कभी कोई केसेस होते हैं आपके सामने तो बेहतर है कि आप लोग उसमें भी एप्लीकेशन बनाकर डाल दें कि हमारा इस तरह हमने जो केस अप्लाई किया, हमने जो केस बनाया उसका हमारा ये मकसद था, ताकि इमिग्रेशन वालों को आपका जो है वो चीजों को समझने में आसानी हो जाए और आपको जो है फाइल सबमिट होने के बाद किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो बस आज की जो वीडियो थी उसमें बताने का मकसद यही था कि जो लोग अभी जो रिसेंटली जो नए रूल्स रेगुलेशन जो चल रहे हैं रेजिडेंट परमिट के हवाले से, प्रॉपर्टी में नाम डलवाने के हवाले से, तो लोग इनको थोड़ा सा अगर फॉलो कर ले, हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हो जो मेरे को भी अभी जो है वो मेरी नॉलेज में भी ना हो, कोई कुछ बातें ऐसी भी हो सकती, कोई नए रूल्स भी आ सकते हैं या मेरी वीडियो बनाने के बाद कल को रूल दोबारा चेंज भी हो सकते हैं, तो उसकी मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा। ठीक है, मैं आज की रूल्स की बात कर रहा हूँ, आज तारीख है 20 नवंबर 2021, मैं आज की रूल्स के हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने अपने पर्सनल जो एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करें। तो अभी ऐसे नोट में कोशिश करें कि प्रॉपर्टी ना खरीदें, और अगर ऐसे नोट में आप प्रॉपर्टी खरीद भी रहे हैं तो कोशिश करें कि प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो आप जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं जो मतलब हस्बैंड वाइफ और अंडर 18 बच्चे हैं तो सबका जो है वो सील डेट के ऊपर आप नाम डलवा दें, ताकि आपके अगर फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करते हैं या रिन्यूअल करवाते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जिस तरह इन्होंने फातेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर से ये लोग कह रहे हैं कि नफूस हुआ हुआ वो आपका रिन्यूअल भी नहीं कर रहे, तो कुछ नहीं पता कल को ये एसएम नोट में भी ये पाबंदी लगा दे कि आपका नफूस हुआ हुआ तब भी हम आपको जो है वो कैमरे रिन्यू नहीं करेंगे, तो ये भी ये जो है वो मतलब एक खतरे का साइन है, क्योंकि हमने मेरी खुद की प्रॉपर्टी एसएम नोट में मौजूद है। तो ये एसएम नोट में जो भी फॉरनर्स यहां पर रहते हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, तो उनके लिए ये डेंजर साइन भी है। बहरहाल अल्लाह पाक बेहतर करेगा, जो चीजें होंगी सबके साथ ही होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो मेरी आपकी मेरी आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी, आपकी जो है वो मालूमात में काफी इजाफा हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक मौसूल हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।